दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम इस वीडियो में एक नई मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है लैक्सोपेग। आपने इसका नाम सुना ही होगा, या तो आपने इस्तेमाल भी किया होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मेड स्टडी क्लास। हम काफी सारी वीडियोस बना रहे हैं, काफी मेडिसिन्स के बारे में, उनके यूजेस, उनके साइड इफेक्ट्स और कैसे यूज करें, और उनसे जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो आपको इम्पोर्टेंट रहती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, हम हर एक मेडिसिन को दो वीडियोस में बना रहे हैं, एक इंग्लिश में और एक जो होगा वो हिंदी में होगा, कि ताकि हमारे काफी सारे व्यूवर्स को मदद पहुंचे। दोस्तों, लैक्सोपेक जो है, ये सैचेट आता है, ये 380 रुपीज को एक 10 सैचेट आते हैं, यानी 38 रुपीज को एक सैचेट आपको प्राइस में मिल जाएगा। ये इसको बनाया गया है फोर्ट्स लेबोरेटरी लिमिटेड से, जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी सी पैकिंग है, और जो इसका कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, उसको बोलते हैं PEG, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लैक्सोपेग 3350। ये 3350 जो है वो केमिकल का नाम है, और इसका जो सैचेट है ये 17 ग्राम्स होता है, 17 ग्राम इसको सैचेट बोलते हैं, देख सकते हैं आप, मेरे हाथ के बराबर है तकरीबन, और इसका जो है ये 17 ग्राम्स होता है। दोस्तों, इसको बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मानो कि आपको कोलोनोस्कोपी करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, या कॉन्स्टिपेशन है, वेरी हार्ड स्टूल्स, जहाँ पे बहुत हार्ड स्टूल होता है, वहां पे अगर उसको निकालना है तो ये दे सकते हैं। ये तो आपको मिल जाएगी आसानी से केमिस्ट शॉप में, मेडिकल शॉप में, लेकिन याद रखिए दोस्तों कि कभी भी कितनी आसानी से भी मिलो, कितनी आसान दवाई भी हो, उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, तो कृपया आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। दोस्तों, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो एक केमिकल है, जो कि हमारे आंत में जाने के बाद वो सेल में का पानी निकालेगा, यानी पानी जमा करके आंत में एक सॉफ्टनेस तैयार करेगा, जिसके वजह से स्टूल या पास आसानी से हो जाएगा। तो काफी यूजफुल है, इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, ये बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डोसेज वेट के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से होता है। बच्चों में काफी कॉजेस होते हैं जिसके वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो पहले वो सॉल्व करने से करने के बाद ही ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन पीडियाट्रिशियन की सलाह के बाद ही। इसको इस पे लिखा गया है कि 1 सैचेट पर डे एट बेड टाइम, ये तो अडल्ट के लिए हो गया है, और डायरेक्शन फॉर यूज, मिक्स 17 ग्राम्स ऑफ पाउडर विद मिल्क, फ्रेश जूस, स्टर वेल, कंज्यूम फुल्ली एट बेड टाइम। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सैचेट है आपको मिलाना है एक पानी में, जितना भी चाहिए आपको, एक ग्लास पानी ले लो या एक जग पानी ले लो, कुछ भी ले लो, या जूस ले लो या मिल्क ले लो, उसके अंदर ये पूरी सैचेट घोलना है और आपको पी जानी है, जिसके वजह से आपको क्या होगा, इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये कोलोनोस्कोपी के लिए यूज करते हैं यूजुअली, क्योंकि कोलोनोस्कोपी में जब देखा जाए तो अगर फीसेस है यानी स्टूल है तो नहीं दिख पाएगा, जैसे कि समझो कि अगर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, या तो कोई इन्फेक्शन है जिसके वजह से खून निकल रहा हो स्टूल में, या कोई ऐसी बीमारी हो जहां पे आंत का देखना जरूरी है, तब उस टाइम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए, और फिर कोलोनोस्कोपी कैमरे से देखते हैं। दोस्तों, ये काफी आसानी से मिल जाता है आपको, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट जो आपको याद रखना है वो है कि इसका जो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम पोटेशियम जो केमिकल जो साल्ट होते हैं, वो भी कम हो सकते हैं। जब वो कम होंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे कि चक्कर आना होता है, कभी कभी आपको दिल का धड़कना ज्यादा हो जाएगा, यानी इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। ओके दोस्तों, तो काफी गुड अच्छी दवाई है ये, और इसके काफी अच्छे यूजेस भी हैं। ओके दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताया, कॉम्प्लिकेशंस भी बताया, और आपको कैसे यूज करना ये भी बताया। तो दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।